ये करनी स्टार्ट बंद नहीं होगा। अच्छा समझ के समझ। देखिए उन भैया की गाड़ी अटक गई है, बड़ी मुश्किल हो रही है यहाँ से गाड़ी पार करवानी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। आज हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश के तरफ वाया चीला रोड, जो कि राधा जी नेशनल पार्क से होते हुए गुजरता है, और वो रास्ता बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। आप लोग को हम लोग अपने ब्लॉग के थ्रू दिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं हम लोग। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं भीमकोड़ा बैराज। आज का सफर हमारा बहुत ही रोमांचक होने वाला, क्योंकि मौसम भी बहुत ही सुहाना हो गया है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न लेना है। आप इस रास्ते से जाएंगे तो आपको काफ़ी बढ़िया सीनिक व्यू देखने को मिलेगा। और अभी हम लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं गंगा मैया के। ये रास्ता ट्रैफिक फ्री है, शहर की भीड़ भाड़ से एकदम अलग, और यहाँ पे आप लोग को बहुत अच्छे सीनिक व्यू देखने को मिलेंगे। जंगलों के बीचों बीच होके ये रास्ता जाता है राजा जी नेशनल पार्क से होते हुए, जहाँ आप लोग को ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ से हम लोग को लेफ्ट लेना है, और जी राइट में रास्ता जा रहा है नजीबाबाद के लिए जा रहा है। इतना सुंदर देखिए नदी मिल रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, और आज देखिए पत्थर ही पत्थर वहाँ पे, बहुत ही सुंदर लग रहा है, और ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। हम लोग को रास्ते में ऐसे एक और नदी मिलेगी, देखिए इस रिवर में पानी आप लोग को सिर्फ मानसून के टाइम पर मिलेगी, अदरवाइज ये सूखी रहती है। गाइज मुझे तो बहुत डर लग रहा है, लेकिन चलो देखते हैं पानी में जाके, ज़्यादा गहरा तो नहीं होगा ये। हो बहाव बहुत ही तेज़ है, कपड़े ऊपर कर लेते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है बट इसमें अच्छा लग रहा है। गाइज देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है, चारों तरफ माउंटेन्स ही माउंटेन्स है, ग्रीनरी है, कितना अल्टीमेट लोकेशन है ये देखिए। और बीच में ये रिवर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, इतना एंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बहुत ही मज़ा आ रहा है। देखिए गाइज ये है रास्ता, और हम लोग चलते हैं ऋषिकेश की तरफ। देखिए हमारी स्कूटी खड़ी है, तो चलो चलते हैं। क्योंकि ये रास्ता जंगलों के बीचों बीच जाता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा देर तक एक जगह पर रुकना खतरे से खाली बात नहीं है। यहाँ पे शाम होने के बाद व्हीकल्स को एंट्री नहीं मिलती है, और टू व्हीलर्स को तो स्पेशली। हम लोग पहुँच गए हैं अब चीला के चेक पोस्ट में। यहाँ से आप लोग जंगल सफारी के लिए भी टिकट्स बुक करा सकते हैं। इस बोर्ड पे आप लोग को सारी टाइमिंग्स दे रखी हैं, कब ओपन होता है कब नहीं होता है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ दे रखी हैं कि किसका कितना शुल्क देना है, कैमरा लेके जा सकते हैं या नहीं, अगर लेके जाएं तो आपको कितना उसको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे जंगल सफारी के लिए बुकिंग होती है। हम पहुँच गए हैं चीला में। यहाँ पे आप लोगों को कुछ गवर्नमेंट क्वार्टर्स भी दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ बोर्ड पे तो लिखा है बीन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण रास्ता बंद है। चलिए देखते हैं, अभी तो रास्ता खुला हुआ दिख रहा है, आगे चल के देखते हैं हम लोग जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, हमें रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर लोकेशन मिलने वाली है, और देखिए आपको एक रिवर मिली है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऐसी लोकेशन हमें बार बार रुकने पे मजबूर कर दे रही हैं। बिल्कुल ट्रैफिक फ्री रास्ता और सुकून भरा, आप यहाँ पे बहुत एंजॉय करने वाले हैं, अपने सफर को और भी बेहतरीन बनाने वाले हैं। चलिए हम लोग नीचे चलते हैं। डर भी लग रहा है।
चलिए गाइस देखिए यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही अल्टीमेट लोकेशन है ये। आप देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइब्स आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। चलिए दोस्तों हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, आइए। दोस्तों देखिए ये जो यहाँ पे गाड़ी जा रही है, ये रास्ता जा रहा है चीला डैम की तरफ, और ये जो आप लोग देख रहे हैं इधर लेफ्ट साइड में, ये रास्ता जा रहा है ऋषिकेश की तरफ। यहाँ पे आप लोग को एक रिसॉर्ट भी मिल जाएगा और एक शॉप मिल जाएगी जहाँ पे आप लोग फास्ट फूड खा सकते हैं, और यहाँ पे टूरिस्ट लोग चिल करने के लिए आते हैं इवनिंग के टाइम पे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे। हम पहुँच गए अब चीला डैम। ये वही गंगा मैया का पानी है जो आप लोग को हर की पौड़ी पे भी दिखाई देता है। डैम के वैसे बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन इसको बहुत खूबसूरती से बनाया भी गया है। आप साइड में देख सकते हैं यहाँ पे पत्थरों से यहाँ पे आर्ट की गई है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है सेल्फी पॉइंट। आप लोग यहाँ पे आके अपनी सेल्फी क्लिक कर सकते हैं, बहुत ही फेमस है सेल्फी के लिए। देखिए कितना ब्यूटीफुल है ना ये रोड, बहुत ही सुंदर है। आप लोग प्लीज़ यहाँ पे आइएगा अगर आप लोग हरिद्वार के ट्रैफिक से बचना चाहते हैं तो। ये देखिए हम लोग को तो रिवर्स ही रिवर्स मिल रही हैं, वो एक ही रिवर है जो अलग अलग हम लोग को दिखाई दे रही है अलग अलग जगहों पे। देखिए मैंने बताया था ना ये जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है। ये कैनाल हमारे साथ साथ ऋषिकेश तक का सफर करने वाली है। यहाँ से हम लोग को राइट टर्न लेना है, देन अगेन यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न लेना है। यहाँ पे चीला रेंज समाप्त हो जाती है। और ये हम लोग को जाना है ऋषिकेश के लिए नीचे की तरफ। ओह माय गॉड ये क्या हुआ, लगता है यहाँ पे बाढ़ आ गई है, पेड़ वेड़ सब टूटे पड़े हैं। ये वही बीन रिवर है जिसकी हम बात कर रहे थे कि पानी बहुत ही बड़ा हुआ है यहाँ पे। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं आगे चलने की। ये भैया बोल रहे हैं कि मैं स्कूटी पार करवा देता हूँ, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है इसलिए स्कूटी निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा गहरी नदी है नहीं, लेकिन पानी का प्रेशर देखने के बाद लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। देखिए फ्लो कितना है रिवर का, आप लोग आगे देख सकते हैं उधर देखिए। ये ऐसा आप लोग को मानसून के टाइम पर ही मिलेगा। वो भैया जो आपको सामने दिख रहे हैं वो रिवर पार करवाने हैं, हेल्प करा रहे हैं सबकी, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो भैया। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था पैदल आने पे, यहाँ पे पत्थर मेरे पैरों पे पड़ रहे थे। गौ माता भी यहाँ से आ रही है। देखिए उन भैया की गाड़ी अटक गई है, बड़ी मुश्किल हो रही है यहाँ से गाड़ी पार करवानी। ऐसा हाल हो रहा है, पूरा डरावना सा हो रहा है, डेंजरस लग रहा है मुझको तो। ये हमारा आज का ये सफर तो लग रहा है बहुत ही एडवेंचरस हो गया है। गाइस देखिए बहुत ही भयंकर नज़ारे हैं, देखिए यहाँ के ऐसा लग रहा है जैसे बाढ़ आ गई होगी।
असमाप्त गौरी रेंज। सोर तो ये वाला है, खाली है। हाँ, ट्रैफिक फ्री मिलेगा, चाहिए वहीं से। गाइज़, हम लोग हैं गौरी रेंज में और ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग बस अभी ऋषिकेश पहुँचने ही वाले हैं, आप लोग का इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है, बस हम लोग पहुँचने वाले हैं। चल रही है, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, रात में यहाँ पे सिर्फ इमरजेंसी वाली व्हीकल्स के लिए ही बैरियर खोला जाता है, इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप लोग को अगर ट्रैवल करना है तो दिन दिन में ही करिएगा। ये रास्ता सीधे खुलता है ऋषिकेश के एम्स पे जाके, और हम लोग पहुँच गए हैं एम्स के गेट के बाहर, और हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है। चलो हम पहले कुछ खा लेते हैं और फिर अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। देखिए, हम लोग की बिरयानी लग गई है, अब खाएंगे, बहुत भूख लगी थी। खा के बताओ कैसी लग रही है। सीरियसली, बड़ा टेस्टी है। आज मत कट कट कट।